तीन देखिए, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो यहां पे लिख देना, पहली एक घटना लिख देते हैं, तीन पट प्राप्त होना, तीन पट प्राप्त होना, और दूसरी घटना मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि कम से कम दो पट प्राप्त होना है। ओके, ये परस्पर अपवर्जी नहीं होगा। देख लो, तीन पट प्राप्त होना, टेल टेल टेल, अभी मैं कम से कम दो पट, दो या दो से अधिक भी हो जाएगा, यानी कि टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर उसके बाद हेड टेल टेल और तीनों टेल, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइन नहीं आएगा जी, तो ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। समझ गया कि नहीं? अगला